दुनिया में इस समय मोबाइल फोन के सबसे बड़े बाजारों में से भारत एक प्रमुख देश है। तमाम कंपनियां तमाम तरह के फीचरों वाले फोन लॉन्च कर रही है। ऐसे में क्या आपको पता है कि भारत में कब पहली बार मोबाइल से बात की गई थी और किनके किनके बीच हुई थी पहली बार मोबाइल से बात। दरअसल साल 1995 में 31 जुलाई को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम के बीच भारत में पहली बार मोबाइल से कॉल करके बात की गई थी। आखिर देश में पहली बार मोबाइल फोन से कॉल करके क्या बात की गई थी, ये भी जानिए। दिल्ली स्थित टेली कम्युनिकेशंस विभाग से उस वक्त संचार मंत्री सुखराम ने ज्योति बसु को पहला मोबाइल फोन कॉल लगाया था। जानकारी के मुताबिक उस वक्त पश्चिम बंगाल के सीएम बसु कोलकाता स्थित राइटर्स भवन में रहते थे। इस कॉल पर सुखराम ने बसु से कहा था कि वायरलेस तकनीक पर आधारित टेलीफोन की ये प्रणाली देश में सबसे बड़ी क्रांति साबित होने वाली है और दोनों ही नेताओं ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण माना था। ये पहला कॉल था और उस समय इस कॉल की कीमत 16 रुपये प्रति मिनट की दर के हिसाब से लगी थी। सोचिए देश की संचार ने आज कितना तरक्की कर लिया है और अब ये कॉल की दर कितनी सस्ती। असल में 1994 में ज्योति बसु ने उद्योगपति भूपेंद्र कुमार मोदी के साथ मुलाकात में कहा था कि कलकत्ता वो शहर हो जहां देश में सबसे पहले मोबाइल नेटवर्क पहुंचे। उसके बाद प्रोजेक्ट काउंटडाउन शुरू हुआ था। बीके मोदी ने अपनी टेलीकॉम कंपनी मोदी टेलेस्ट्रा के तहत GSM नेटवर्क के लिए काम शुरू कर दिया था। इस मुलाकात के बाद बीके मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर टेलेस्ट्रा के अलावा नोकिया से भी संपर्क कर तकनीकी मदद जुटाई और फिर 9 महीने बाद भारत में सेलुलर सेवा का सपना हकीकत बन गया। इसके बाद चली विकास यात्रा से तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में शुमार रहे बीके मोदी ने 70 के दशक में मोदी स्टील कंपनी शुरू की थी। उसके बाद मोदी उद्योग समूह का विस्तार होता गया और 90 के दशक में वो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े और भारत में संचार क्रांति के प्रमुख सूत्र बने। पहले मोबाइल फोन कॉल के ऑपरेटर समूह के प्रमुख के तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं जिस समूह का सहभागी हूँ उसके नेटवर्क पर पहला मोबाइल कॉल लगने का इतिहास रचा गया। ये मेरा सौभाग्य रहा है। मैं जब भी इस घटना पर सोचता हूँ तो अब भी वो नामुमकिन जैसा लगता है। यही वो दिन था जिस दिन ने देश में एक और क्रांति ला दी थी। ये वो दौर था जब देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, जिनके समय में ही देश में पहली बार वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। खैर, तो मोबाइल फोन ने इसी दिन से भारत में अपनी शुरुआत की और आज तेजी से करोड़ों लोगों की जरूरत बन चुका है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।